बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग अप में। दोस्तों, हम कर रहे थे खनिज, राजस्थान के प्रमुख खनिज किस प्रकार हैं, वो हमने 19 खनिज तो कर लिए हैं और खनिजों के मामले में राजस्थान में काफ़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग अप को सब्सक्राइब नहीं किया तो करूँगा एक गुजारिश कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और निश्चित तौर पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम देखते हैं संगमरमर यानी कि मार्बल। दोस्तों, जो मार्बल है वो भी काफ़ी प्रकार का होता है, जिस पर सफ़ेद मार्बल होता है, हरा काला मार्बल होता है, बैंगनी मार्बल होता है, लाल मार्बल होता है, इसी इत्यादि काफ़ी वेराइटी होती है मार्बल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो भी सफ़ेद मार्बल होता है वो मकराना नागौर में मिलेगा आपको और मोरवड व राजनगर राजसमंद में आपको सफ़ेद मार्बल मिल जाएगा। और फिर देखते ही हरा काला मार्बल जो आपको मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा डूंगरपुर, कोटा, भैंसलाना, जयपुर में आपको ये हरा काला मार्बल मिल जाएगा। और फिर अगर आपको चाहिए होगा लाल मार्बल तो आपको धौलपुर में मिलेगा दोस्तों, और पीला अगर चाहिएगा मार्बल तो आपको जैसलमेर में मिलेगा, और बैंगनी अगर मार्बल आपको चाहिए तो बांसवाड़ा, और नीला चाहिए तो देसूरी पाली में मिलने वाला है। दोस्तों, फिर देखते हैं कि अगर किशनगढ़ देश की प्रसिद्ध मार्बल मंडी है, जो भी किशनगढ़ है ना दोस्तों, वो प्रसिद्ध मार्बल की मंडी है देश की, और राजसमंद में मोरवड़ व राजनगर की खानों में सर्वाधिक मार्बल निकलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। संगमरमर प्रमुख इमारती पत्थर है, यह लघु खनिज यानी माइनर मिनरल की श्रेणी में आता है संगमरमर, ठीक है। और देश में सर्वाधिक मार्बल राजस्थान में उत्पादित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और ग्रेनाइट दोस्तों होता है वो गुलाबी व मरकरी लाल ग्रेनाइट आपको मिलेगा सिवाना क्षेत्र में, और जो पीला है ना ग्रेनाइट वो आपको मिलेगा पीतला गांव जैसलमेर में मिलने वाला है। और दोस्तों, काला ग्रेनाइट आपको चाहिए तो काला डेरा जयपुर में आपको मिलेगा काला ग्रेनाइट। और दोस्तों, उत्तरी भारत में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ विभिन्न रंगों व डिजाइन में ग्रेनाइट के विशाल भंडार हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो सर्वाधिक ग्रेनाइट जालौर में पाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जो भी सर्वाधिक ग्रेफाइट मिलेगा दोस्तों, वो आपको ग्रेनाइट जो भी आपको सर्वाधिक मिलेगा वो जालौर में मिलेगा दोस्तों। फिर हम उसके आगे देखते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं कि कोटा स्टोन दोस्तों कोटा में पाया गया, इसीलिए कोटा स्टोन नाम रखा गया है, और कोटा रामगंज मंडी क्षेत्र इसका फेमस है कोटा स्टोन के लिए, और चित्तौड़गढ़ भी कोटा स्टोन के लिए आपको फेमस मिलेगा दोस्तों। और इस प्रकार कोटा स्टोन हो गया दोस्तों। और फिर आपको देखते हैं क्वार्ट्ज दोस्तों, वो चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, दौसा में आपको क्वार्ट्ज मिलेंगे, और चीनी मिट्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा क्वार्ट्ज। और दोस्तों, फिर देखते हैं कि बोल क्ले, ये आपको मिलेगा बीकानेर में सर्वाधिक मिलेगा, और नागौर पाली में भी इसे मिलेगा दोस्तों, और इसे बीकानेर क्ले भी कहा जाता है, बीकानेर में मिलता है इसलिए इस कारण इसे बीकानेर क्ले भी कहा जाता है, सर्वाधिक बीकानेर मिलता है तो इसलिए बीकानेर क्ले भी कहा जाएगा दोस्तों। फिर देखते हैं कि फायर क्ले दोस्तों, आपको फायर क्ले मिलेगा दोस्तों, बीकानेर में सर्वाधिक मिलेगा और जैसलमेर अलवर में आपको मिल जाएगा। और जो फायर ब्रिक्स मिलेगा आपको ब्लॉक्स आदि के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, और उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है इसका फायर क्ले का, और राजस्थान में इसका उत्पादन बीकानेर में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जो भी इसका उत्पादन होता है वो कहाँ होता है तो आपको बताना है बीकानेर में। और फायर क्ले दोस्तों इस प्रकार मिलेगा आपको, और चीनी मिट्टी दोस्तों है चाइना क्ले, वो आपको मिलेगा बीकानेर में, मुड स्थान है वहाँ पर, और चांदी कोटड़ी और पलाना इस स्थान पर आपको चीनी मिट्टी के मिल जाएंगे दोस्तों। और सवाई माधोपुर में आपको रायसेना व वसु क्षेत्र है, वहाँ पर आपको चीनी मिट्टी मिल जाएगी। और दोस्तों, इस प्रकार के नीम का थाना में चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। जो भी नीम का थाना क्षेत्र है वहाँ चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना। राजस्थान में केवलिन का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः नागौर, चित्तौड़गढ़,
भीलवाड़ा में होता है, आपको ध्यान रखना होगा। मुल्तानी मिट्टी दोस्तों फ्लर्स अर्थ है वो सर्वाधिक, बाड़मेर में, अन्य बीकानेर जोधपुर में आपको मुल्तानी मिट्टी के मिल जाएंगे दोस्तों। भारत में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में मिलती है, इस बात को इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आप भली भांति रूप से याद कर लीजिएगा। और उत्पादन में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है, और इसे ब्लीचिंग क्ले भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लीचिंग क्ले किसको कहा जाए, मुल्तानी मिट्टी को कहा जाएगा। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ना वो मध्य प्रदेश में होता है, इस बात को इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको नमक चाहिए सोडियम क्लोराइड, वो आपको मिलेगा दोस्तों सांबर में, जयपुर में, और डीडवाड़ा नागौर, पचपदरा, बाड़मेर, लूण करणसर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर में आपको नमक मिल जाएगा। नमक का खनिज दोस्तों हेलाइट है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और इसका रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl है। और इसका सांबर झील में देश का 8.7% नमक होता है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि सांबर झील में पूरे देश का 8.7 यानी कि 8.7% नमक यहाँ पर होता है सांबर झील में। और राजस्थान का समुद्री जल व झीलों से नमक उत्पादन में गुजरात व तमिलनाडु के बाद तीसरा स्थान है। राजस्थान का है ना समुद्री जल व झीलों से नमक उत्पादन में गुजरात व तमिलनाडु के बाद थर्ड रैंक पर राजस्थान का आता है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। और दोस्तों इस संबंध में कोई भी आपको प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों हम निश्चित तौर पर अगला हमारा टॉपिक में खनिज के जो भी प्रमुख खनिज हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसको खनिज को देंगे विराम। उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्वरूप, उसका ऐतिहासिक स्वरूप इत्यादि के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।